दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया की ओडीआई सीरीज खत्म हुई, जहां पर टीम इंडिया को इसमें जीत मिली और अब दोनों ही टीम्स के बीच में शुरू होने वाली है T20 सीरीज। टीम इंडिया की बात करें तो टीम काफ़ी कुछ चेंज रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कई दिग्गजों जैसे विराट कोहली, शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट दिया गया है, तो इनके ना होने के कारण से टीम में क्या चेंजेस होने वाले हैं और टीम की प्लेइंग 11 कैसी रहेगी, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। ओपनिंग में बात करें तो शिखर धवन को रेस्ट दिया गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग करने आएंगे KL राहुल और रोहित शर्मा। तो वहीं नंबर 3 की बात करें तो श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर रखा जाएगा। नंबर 4 पर मनीष पांडे, क्योंकि मनीष पांडे, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ऊपरी क्रम में। तो वहीं साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले इन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का आखिरी मौका मिलेगा। तो वहीं 5वें नंबर से बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, इनके बाद दिनेश कार्तिक, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो वहीं 7वें क्रम से बात करें तो हार्दिक पांड्या टीम के लिए काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो वहीं प्योर बॉलर्स की बात की जाए तो स्पिनर्स में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी नज़र आने वाली है, और फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह और जयदेव उनादकट को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर T20 टीम इंडिया का फॉर्मेशन रहने वाला है, और आपकी क्या ओपिनियन है, किस प्लेयर को यहाँ पर होना चाहिए, किसको नहीं, कौन सा प्लेयर इस T20 के प्लेइंग 11 फॉर्मेट में डिजर्व करता है, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और T20 जैसे रोमांचक फॉर्मेट के सभी मैचेस की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS Entertainment को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।